उत्तर पूर्व राज्यों की संस्कृति और सांस्कृतिक इतिहास पर आयोजित चार दिवसीय संगोष्ठी का तीसरा दिन मणिपुर और मिजोरम की संस्कृति और इतिहास पर आधारित रहा। इस संगोष्ठी में कई साहित्यकार, इतिहासकार, लेखक गण और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं शामिल हुए। पूरे दिन का सेमिनार सांस्कृतिक जागरूकता, छात्रों की उत्सुकता और इतिहासकारों के रोचक संवादों से गुलजार रहा। उत्तर पूर्व राज्यों से आए सभी अतिथियों का स्वागत गुलाब और झारखंडी गमछा देकर किया गया। साथ ही साथ सभी अतिथियों को डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया गया। ज्ञात हो कि यह संगोष्ठी चार दिन तक चलेगी। शुक्रवार को नागालैंड और मेघालय के इतिहासकार और प्रोफेसर अपना वक्तव्य रखेंगे। यहाँ पर हम चार दिवसीय नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं उनके कल्चर पर आधारित हम चार दिवसीय सेमिनार कर रहे हैं, जिसका थीम हम लोगों ने रखा है नेशनल सेमिनार ऑन कल्चर एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसमें हमारे जो आर्ट वहाँ के राज्य हैं, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये जो आठ राज्य हैं वहाँ के प्रतिभागी आए हुए हैं, जो वहाँ के विभिन्न डिपार्टमेंट के लेक्चरर हैं या वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं या वहाँ जो लब प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है सेमिनार में। और वो वहाँ की अपनी जो विशिष्टता है, उनकी संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर के जो उनकी विशिष्टता है, वो उस पर अपने व्याख्यान यहाँ पर दे रहे हैं। ये झारखंड में मुझे लगता है कि वो नॉर्थ ईस्ट में एक साथ इकट्ठे वो आठ राज्यों का पहली बार कोई सेमिनार यहाँ पर हो रहा है, जिसके माध्यम से हम वहाँ की जो विशिष्टताएँ हैं, वहाँ का जो संस्कृति है, उसका हम उनके मुख से ही वो हम जान रहे हैं, सुन रहे हैं। और यहाँ जो झारखंड के जो छात्र हैं, जो यहाँ के विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, वो उन विचारों का आदान प्रदान यहाँ पे हो रहा है इस सेमिनार के माध्यम से।